दोस्तों गोल्डन गर्ल अवनी लखेरा के लिए कमेंट बॉक्स में सैल्यूट जरूर लिखें। इस वीडियो में हम आपको गोल्डन गर्ल के जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं कि कितनी परेशानियां झेलकर उन्होंने ये गोल्ड जीता है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत का शूटिंग में ये पहला गोल्ड मेडल है। 19 साल की अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में पहला स्थान हासिल किया। अवनी ने नवंबर 2019 में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो टोक्यो में मेडल जीतना चाहती हैं। अवनी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ है। 8 नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर में जन्मी अवनी की जिंदगी में 2012 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अवनी जब 11 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गईं। हालांकि उन्होंने अपनी इस कमजोरी को कभी आड़े नहीं आने दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और उनके पिता चाहते थे कि वो खेल पर भी ध्यान दे। उनके पिता ने उनसे कहा कि वो शूटिंग और तीरंदाजी दोनों में कोशिश करें और फिर कोई एक चुन लें। अवनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2015 में मेरे पिता शूटिंग और तीरंदाजी दोनों में ले गए थे और मैंने दोनों की कोशिश की। पहली बार राइफल पकड़ने के बाद मुझे शूटिंग में ज़्यादा जुड़ाव महसूस हुआ। हालांकि उनकी शूटिंग चुनने की एक वजह अभिनव बिंद्रा भी हैं। अवनी ने अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी ए शॉर्ट एट हिस्ट्री पढ़ी जिसके बाद शूटिंग के प्रति वो और ज़्यादा गंभीर हो गई। अवनी ने 2015 में जयपुर के जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की। अभिनव बिंद्रा ने अवनी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, गोल्ड है अवनी लखेरा के शानदार प्रदर्शन से भारत ने निशानेबाजी में पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता, बेहद गर्व है, बहुत बहुत बधाई। 2015 में अवनी ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और कुछ ही महीने बाद उन्होंने राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और गोल्ड जीत लिया। इस चैंपियनशिप के लिए अवनी ने अपने कोच से राइफल उधार ली थी। उसके कुछ महीनों बाद ही अवनी ने नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2016 से 2020 के बीच अवनी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड मेडल जीता। इसी साल UAE में हुई पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी ने सिल्वर मेडल जीता था। अवनी के पिता प्रवीण लखेरा राजस्थान के श्री गंगानगर में पोस्टेड हैं। वो रेवेन्यू विभाग में RAS अफसर हैं। अवनी की मां टोक्यो में उनके साथ हैं। अवनी के पिता प्रवीण ने कहा है कि महीनों से लगातार मेहनत का नतीजा ये है। उनसे जब पूछा गया कि मैच के दौरान आप कैसा महसूस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैच के दौरान स्कोर काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था जिससे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि पैरालंपिक में अवनी के अभी 3 इवेंट और बाकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो जयपुर लौटेंगी तो उनका यहाँ ग्रैंड वेलकम किया जाएगा।